लेह लद्दाख हमारे भारत की वो खूबसूरत जगह है जहाँ पर हर कोई जाने का सपना एक ना एक बार ज़रूर देखता है। इस सफ़र को मैंने दो बार किया हुआ है, एक बार मोटरसाइकिल से और एक बार कार से, तो क्यों ना अब की बार इस खूबसूरत जगह पर ट्रक में जाया जाए। तो चलिए अपना मनाली से लेह तक का सफ़र शुरू करते हैं। टाइम हो चुका है 12:30 दोपहर के और मनाली अभी यहाँ से सिर्फ थोड़ी सी दूर है और मैंने आज अपना सफ़र शुरू करा था सुबह शानगढ़ से मैंने लोकल बस पकड़ी कुल्लू तक। कुल्लू से फिर मेरे को थोड़ा आगे पैदल चलना पड़ा और अपने को वीरेंद्र भाई मिले। थोड़ी देर आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं वीरेंद्र भाई से और अभी पानी भरने के लिए रुके हैं, पानी वानी पियेंगे बढ़िया अपना। बाकी भाई फर्स्ट टाइम मैं इस तरह से ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि भाई मज़ेदार। और हम जाने वाले हैं वाया रोहतांग पास, क्योंकि मैं जिसमें बैठा हूँ ये टैंकर है तेल का और इसको टनल से पास होना मतलब अलाउड नहीं है अगर ये भरा हुआ है। तो हम रोहतांग से जाएंगे और देखते हैं मैं वापसी में क्या कुछ करने वाला हूँ। सो यस दैट्स इट। अभी टाइम हो गया है 3:38 और अभी हम पहुंचे हैं, कहाँ पहुंचे अभी हम? गुलाबा। और यहाँ से अभी अपना रोहतांग पास अभी और काफ़ी दूर है और बस यहाँ पे रुके थे थोड़ा ब्रेक के लिए। 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर यहाँ से रोहतांग बचा है अभी अपना। बस अभी रुके थे और मेरा भाई मन करा कि अरे बार ट्रक के ऊपर चढ़ के देखना अपने को, तो भाई चढ़ के देख लिया। तो अभी बस चलते हैं और आज का प्लान है डारचा रुकने का, तो दारचा रुकेंगे अपना। बाकी भाई एक बात है, ट्रक चलाना बहुत मुश्किल मतलब एक जॉब है और वहीं जॉब डबल टफ हो जाता है जब भाई इस तरह का टेरेन होता है और आप पहाड़ों में चला रहे होते हो। अभी हमें रोहतांग पास जाना है क्योंकि हमारा जो ट्रक है उसमें फ्यूल है और इसके अंदर अभी फ्यूल है तो ये अटल टनल क्रॉस नहीं कर सकता। जब ये वापस आएगा लेह से तभी क्रॉस कर सकता है क्योंकि जब ये खाली होगा। तो यार बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है सही में, मतलब अभी पता चलता है कि जो छोटे छोटे कार हम जो कार वाले होते हैं हम कितनी गलतियां करते हैं, ट्रक वालों को उससे कितनी दिक्कत होती है कि कार वाले एकदम से आते हैं फिर वो हटाते हैं, चढ़ाई में हमारा ट्रक रुक जाता है फिर वापस चलना पड़ता है। चलो यार लेट नहीं करते। बाकी भाई नज़ारा बहुत बढ़िया, 2019 में लास्ट में रवि के साथ आया था रोहतांग, अब आ रहा हूँ मैं वीरेंद्र भाई के साथ। तो बस चलते हैं, वीरेंद्र भाई अभी एक फ़ोन कॉल पर बिज़ी हैं, फिर निकलते हैं फटाफट। Thank you.
भैया टाइम अभी हो गया है 4:30 के आसपास, और अभी यहाँ से कितना 13 किलोमीटर है ना रोहतांग अपना, 13 तो 13 किलोमीटर रोहतांग यहाँ पे अभी हमने पी भाई बढ़िया चाय, और अभी निकलते हैं यहाँ से। मड़ी है ना ये जगह? ये मड़ी मड़ी, तो चलो भाई मड़ी से आगे बढ़ते हैं रोहतांग की तरफ। और आगे हम रुके थे राज पंजाबी ढाबे पे राज पंजाबी ढाबे पे और आगे धुंध मिलेगी ना आप बता रहे थे? हाँ, अभी ये सामने देखो व्यू, वहाँ पे पूरा धुंध हो गई है पूरी की पूरी। अभी जाएंगे इसमें से निकल के, बाकी जब अपन रोहतांग उतर जाएंगे मेरे को लग रहा है तब तो हट जाएगी धुंध, है ना? बस वहाँ पे हट जाएगी। हाँ, भैया हम लोग अभी आ चुके हैं कहाँ पर? रोहतांग पास। रोहतांग पास जो कि है 13,000 फीट पे, जो कि भाई हमारे लिए छोटी मोटी बात है 13,000 फीट। क्यों वरिंदर भाई? दूसरी साइड से दिखा दो। हाँ, बाकी भाई जब मैं यहाँ पर 2018 में फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था, उसके कंपैरिजन में भाई बहुत कुछ चेंज हो चुका है, इतनी सारी दुकानें वुकानें, और अभी तो धुंध में दिख भी नहीं रही है, ATV वगैरह पता नहीं क्या क्या आ गया। तो भाई सही है, अभी यहाँ से फटाफट चलते हैं क्योंकि हमें आगे भी जाना है। ये रोहतांग पास के दर्शन हो चुके हैं चले चलो चलो जस्ट अभी हमने कॉक्सर क्रॉस किया है, और अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं 10 मिनट का ब्रेक क्योंकि अपने ट्रक के जो है टायर वो हो चुके हैं गर्म, तो अभी उनको भी थोड़ा ठंडा करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये ओपन स्पेस है पूरा, तो टायर गर्म हो जाएंगे 10 मिनट में। बाकी भाई मौसम बहुत बढ़िया हो गया, रोहतांग भी तो बहुत ख़राब था, यहाँ बिल्कुल मैं टी शर्ट में घूम रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ स्पीति की साइड जो भी जाता है भाई वहाँ बहुत मौसम ख़राब है, तो इस टाइम जो भी गया हो ऑल द बेस्ट। बाकी भाई सही है यार, बहुत बढ़िया, मतलब मज़ेदार यार, फर्स्ट टाइम ऐसा ट्रैवल कर रहा हूँ, पता नहीं ये लाइन में कितनी बार बोल चुका हूँ, लेकिन मज़ा आ रहा है यार सही में। तो अभी हो चुका है भाई अंधेरा, और हम लोग टांडी क्रॉस अभी हमने जस्ट किया है, और लगभग 1.5 घंटा ना वीरेंद्र भाई, 1.5 घंटा में लगेगा दारचा पहुँचने में। तो आज का स्टे अपना दारचा रहेगा, और हम कल अर्ली मॉर्निंग वापस अपना सफर जो है शुरू करेंगे। लेह लद्दाख। यस, लेह लद्दाख, हम चले लेह लद्दाख। सही, चलो चलो भाई साहब भगते हैं। डुन डुन डुन। तो भैया अभी टाइम हो चुका है 10:37, और हम लोग अभी दारचा पहुंच चुके हैं। दारचा में हमने डिनर विनर सब कर लिया है, अभी हम मस्त लेट चुके हैं सीट पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपने वीरेंद्र भाई लेट, दिख रहे हो आप इसमें? हाँ, ये वीरेंद्र भाई लेटे हुए हैं, और मैं भी ट्रक के अंदर ही लेटा हुआ हूँ। तो भाई बढ़िया यार, मस्त ट्रक में सोने का एक्सपीरियंस लेते हैं आज पहली बार, मज़ा आ रहा है। बाकी सफ़र करते हैं कल से शुरू। कल हम कितने 5 बजे निकल जाएंगे ना ऐसे? 5 बजे मॉर्निंग में। तो 5 बजे मॉर्निंग में शुरू करेंगे, और फिर देखते हैं कहाँ तक आगे जाएंगे और कैसे क्या मौसम रहता है, वीडियो बनाते हुए भाई। बाकी मेरे को यार वीरेंद्र भाई के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरा ये था कि यार मैं ये सोच रहा था कि चलो लिफ्ट तो मिल ही जाएगी, देखते हैं बंदा कैसा मिलेगा। मैं कह रहा हूँ वीरेंद्र भाई के साथ इतना मज़ा आया, मेरे को लग नहीं रहा जैसे हम पहली बार मिले हैं या फिर पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं। मेरे को तो सच में बहुत मज़ा आया, हम बातें करते हैं पूरे रास्ते, मज़ा आ रहा है। मेरे को ये नहीं पता वीरेंद्र भाई को कैसा लग रहा है करते हुए। तो भाई मस्त अपना मनोरंजन करते हुए आ रहे हैं, बढ़िया। आप कुछ कहना चाहते हो वीरेंद्र भाई? कुछ नहीं भाई, अभी सबको गुड नाइट। सीधी बात, चलो कल बोलेंगे। हाँ, कल चलो भाई, ठीक है कल बोलेंगे। ओके, टाइम ज्यादा हो गया। हाँ।
गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द्वारका। हम लोग निकल चुके हैं आगे के लिए, लेकिन अभी इशू ये है कि यहाँ पे एक चेक पोस्ट है जो कि सुबह 6 बजे खुलता है, तो अभी 5:45 में वो 6 बजे खुलेगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और भाई रात को बड़ी मस्त नींद आई, क्योंकि रात को पूरा थक गए थे, और उससे पहले वीरेंद्र भाई से मिलने से पहले मैं पैदल भी चल रहा था, तो भाई काफ़ी थक गए और नींद एक नंबर की आई। अब बस ये चेक पोस्ट खुलता है, इसके बाद आगे जाएंगे। और आज का मैं प्लान सोच रहा हूँ पेंगोंग लेक तक जाने का, सो लेट्स सी। और पेंगोंग लेक गया तो पेंगोंग का जो मेन जो स्पांगविक वाला एरिया, वहाँ नहीं रुकना मेरे को। मेरक एक विलेज है जहाँ पर एक अपने रिजन भाई है, मैं 2018 में उनके होम स्टे में रुका था, तो वहाँ जाने का मेरा प्लान है, तो उनके पास जाएंगे। तो चलिए भाई करते हैं वेट। वीरेंद्र भाई जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई जी? किसके इंतजार में बैठे हो? और किस चीज का इंतजार है? टाइम इज़ 7:51 और हम लोग बरालाचा पास पहुँच चुके हैं। भागना पड़ रहा है क्योंकि हम थोड़े लेट हो चुके हैं, तो इसलिए फटाफट चलते हैं। और भाई बरालाचा मौसम बहुत अच्छा मिला हमें भाई, पिछली बार जब मैं आया था बहुत गंदा मौसम था, और एक नंबर मौसम भाई साहब। अभी हमें भरतपुर के पास, और यहाँ भरतपुर के पीछे की साइड, इस पहाड़ के पीछे है यूनाम पीक जो कि 6000 मीटर्स की है, और वो मेरा प्लान है। तो अभी तो जा रहे हैं ले, और वहाँ से वापसी में आते हुए मेरे को यूनाम पीक करनी है, और मेरे को एक शिशु के ऊपर लेगा वो करनी है, और एक बरालाचा पास के मतलब पास से 2-3 ट्रैक है छोटे छोटे, वो 2-3 ट्रैक मुझे करने हैं। तो इस तरह से फुल ऑक्यूपाइड रहने वाला है अपना प्लान। तो अभी हमें थोड़ी जल्दीबाजी है क्योंकि हम थोड़े लेट हो गए हैं, मतलब हम तो क्या यार वो सुबह चेक पोस्ट पे उन्होंने छोड़ा नहीं, तो उस चक्कर में हम थोड़े लेट हो गए। अब बस फटाफट भाग रहे हैं, आगे देखेंगे कहीं ब्रेकफास्ट का सीन हो गया या फिर डायरेक्ट लंच ही करना पड़ेगा। और मेरा दिल जिस बात से सबसे ज़्यादा दुखता है वो ये है कि यार देखो कचरा देखो सामने, मतलब पूरा वहाँ से पूरा वहाँ तक, मतलब सिर्फ कचरा यार। क्यों मतलब लोगों को समझ नहीं आता यार कि इतनी रिमोट प्लेस है भाई, यहाँ पर नहीं डालो ये, यहाँ पर कौन उठाएगा? कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये देखो ये एक सेंटर फ्रेश का टुकड़ा पड़ा है यहाँ, और बोतलें पड़ी है, मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ जिसमें कि ये वाला जो पार्ट है ये मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि पहले यहाँ पर ये पुल वगैरह कुछ नहीं था, ये बड़े वाला, ये अभी नया बना है, ये छोटे पुल से आते थे वहाँ पूरा ऐसे घूम के, और ये जाते थे भाई। तो अब ये जब पुल रेडी हो जाएगा तो सब लोग इस पे से जाएंगे, और ये बहुत टफ स्ट्रेच होता था भाई, बाइकर्स तो यहाँ पर वाटर क्रॉसिंग करते करते गिरते ही थे मोस्टली। अपनी गाड़ी खड़ी है वो लास्ट में, बाकी अब मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि मुझे AMS जो है वो हल्का हल्का पकड़ने लगा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि भाई गहरी गहरी सांस लेता रहूं, पानी वानी पीता रहूं, ताकि थोड़ा सही रहे भाई मामला, पानी सही से एंजॉय कर पाएं। चलो भाई सारे ट्रक चल पड़े हैं, इधर से आपको दिखाते हैं।
अभी यहाँ से अपने गाटा लूप्स शुरू हो चुके हैं और ये है इसका फर्स्ट कट। तो अब इस तरह से हमें टोटल 21 लूप्स करने हैं और फिर हम पहुँच जाएंगे ऊपर लाचुंगला पे। हाँ, अपने ट्रक वाले भाई इसको बाइस कैची बोलते हैं और वैसे ये गाटा लूप्स है। हाँ, 22 कैची वाले मोड बिल्कुल। ओ भाई, यहाँ सबसे डेंजरस है वैसे ये एरिया है ना चलाने के लिए। ये बिल्कुल एक मोड़ पे खराब हो रखा है ये ट्रक और बहुत सावधानी से निकालना पड़ेगा हमें। आए, चढ़ गए चढ़ गए चढ़ गए चढ़ गए। क्या बात है वीरेंद्र भाई। अरे बिल्कुल, अब ये नीचे देखो एक बार जो हम पूरा चढ़ के आए हैं, ये पूरे गाटा लूप्स। तो भाई गाटा लूप्स पे ये वाला टर्न ट्रक्स के लिए सबसे खतरनाक है क्योंकि ये सीधा बिल्कुल ऐसे टक्कर में है। तो यहाँ से अभी भाई ये सीधा गया, अभी इसने बैक लिया, अभी ये यहाँ से इसको लेके चढ़ाएगा और ट्रक का भाई फुल दम लगेगा इसमें बिल्कुल कंप्लीट। ये देखो, ये देखो, ये एक और ये सामने गया, रुका, अब बैक लेंगे फिर आगे को चलेंगे। भाई भाई सच बताऊं तो मौसम ने बहुत ज़्यादा साथ दे रखा है, वरना जब मैं आया था भाई यहाँ पे इतना ख़राब मौसम था और मैं आया भी जून में था और अभी यहाँ सितंबर में आए हैं तो भाई बिल्कुल बढ़िया धूप निकली हुई है, कोई ठंड नहीं लग रही है। ये तो बस ऐसे डाला हुआ है कि बार बार निकालना डालना नहीं करना पड़े, वरना आराम से इधर भाई बैठे हैं यार। अभी आएंगे अपने वीरेंद्र पाजी, उनको लग जाना टाइम अभी 10 मिनट के आसपास। बाकी भाई आप इधर देखो, ये ऐसे 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 करके वो फिर उधर वाले लूप्स। ओ भाई साहब, मतलब भाई जिगरा चाहिए भाई इधर ट्रक चलाने के लिए, ये बात तो है यार। मैंने एक ट्रक के पीछे लाइन पढ़ी थी कि एयरप्लेन उड़ाना आसान होता है, ट्रक चलाना औखा होता है, तो बात सही है भाई लगभग कहीं ना कहीं। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं नकीला टॉप पे और भाई यहाँ पर हवा खतरनाक चल रही है तो हमें जाना है जल्दी क्योंकि हम हो रहे हैं लेट। अभी यहाँ से पांग जो है वो है 32 किलोमीटर दूर और पांग जाके हम लोग खाएंगे पियेंगे कुछ और यहाँ से भी जाएंगे। मेरे पीछे ठीक है विस्की नाला, विस्की नाला से आगे जाएंगे आएगा अपना लाचुंगला, लाचुंगला से आगे अपना पांग आएगा, वहाँ पर कुछ खाना पीना करेंगे और भाई मज़ेदार ठीक चल रहा है जो भी चल रहा है, बस भागो अब जल्दी से। तो भाई ये सामने एक बार आप रोड देखो और फिर ऊपर पहाड़ देखो, मतलब छोटी सी भी गलती और गाड़ी खाई में, खतरनाक। तो भैया दोपहर का पूरा 1 बज चुका है और जो भी भाई अपना लद्दाख आया होगा उसको पता होगा कि गाटा लूप से यहाँ तक क्या खतरनाक बैंड बजता है और भाई साहब इतने पूरे थक गए यार कि बस क्या बताऊँ मैं। फो अभी यहाँ बस खाना खाने लगेंगे, आज लंच ही हो रहा है डायरेक्ट यार अपना, भाई बहुत थक गए यार। सही है, अभी मुरे प्लेन से आएंगे तो थोड़ा रहेगा शांति भरा माहौल, बाकी ये वाला पार्ट तो भाई हमेशा रुला देता है भाई। क्यों वीरेंद्र भाई जी है? ये वाला पार्ट तो रुला ही देता है हमेशा। सही बात है भाई। हाथ खड़े हो जाओ। तो भाई फाइनली अब रोटी नसीब हुई है, राजमा रोटी और ये अपना प्याज और ये अपने वीरेंद्र पाजी। ओ भाई, बाकी यार सच बताऊँ तो ये जो पार्ट है ना ये अपना गाटा लूप से यहाँ तक का पार्ट जो वो भाई हमेशा इतना ही परेशान करता है, बंदा भाई थक्के चूर हो जाता है क्योंकि रोड पूरा ऑफ रोड आ जाता है ना तो यूँ हिलते 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 भाई बंदा ऐसे ही थक जाता है। क्यों वीरेंद्र भाई? बिल्कुल भाई। तो अब जाके डायरेक्ट भाई कैमरा उठाया है यहाँ पे और हमने तो इवन दोनों शीशे बंद कर रखे थे ट्रक के, फिर भी धूल अंदर आ रही थी और भाई सांस तो कम हमने धूल ज़्यादा ली अंदर, 1-2 किलो रेत घुस गया होगा। तो भाई
अब जाके कुछ अच्छे व्यूज आएंगे आगे, मूरे प्लेन्स वगैरह वहाँ के बनाएंगे वीडियो शीडियो। बीच में तो कुछ मन नहीं करा भाई, ऐसा थक गए थे, है ना, शरीर टूट गया पूरा। अब हो गया है लंच भैया, अब थोड़ा सर दर्द भी थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि सुबह से भूखे पेट है तो भूखे पेट भी थोड़ा सर दर्द होता है, और थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की कमी, तो कुल मिला के सर दर्द जो था वो थोड़ा कम हो चुका है। अभी यहाँ से अपने को चढ़ना है ऊपर, ऊपर चढ़ेंगे और फिर जाएंगे मूरे प्लेन्स की तरफ। गाड़ी होगी अपनी स्टार्ट, अंदर बैठते हैं और आपको मूरे प्लेन्स के नज़ारे दिखाते हैं। Away from the shore, amongst the waves, exactly where I wanna be. I am where I wanna be. Remember the star, remember the star. When my future needed clarity, yes, I needed clarity. So I could see how you'd react. How you'd react. So right now it's 3:14 और हम लोग हैं अभी तंगलंगला टॉप पे, और भाई एएमएस ने बहुत अच्छे से पकड़ लिया है मुझे, क्योंकि हम सीधा आए हैं दारचा से और सीधा 3-4 माउंटेन पास करके अब आए हैं यहाँ पर सीधा तंगलंगला। और यहाँ पर वही है, एक्मलेटाइजेशन हुआ नहीं तो भाई सर दुखता है ख़तरनाक वाला। बीच में ज़्यादा दर्द करने लगे था, अभी थोड़ा आराम है मेरे को, पानी वानी पीता रहा मैं बीच में, तो भाई बस यार इतना ही है। व्यूज़ दिखा दूंगा थोड़ी देर में आपको आसपास के, कैसा क्या व्यू मिलेगा भाई, वरना तो यार बाकी ठीक है यार, एडवेंचरस हो गया सिस्टम। हाँ ओ भाई, ओके हेलो एवरीबॉडी, आज है तारीख 7 सितंबर और जो व्लॉग आप देख रहे थे वो 5 सितंबर का था। अब 5 सितंबर में जो लास्ट मैंने व्लॉग किया था वो किया था तंगलंगला पे, और सच बताऊँ तो तंगलंगला से आने के बाद मतलब जब नीचे उतर रहे थे तो एमएस ने मुझे बहुत ख़तरनाक पकड़ लिया भाई, और मेरा सिर दर्द ख़तरनाक हुआ भाई, उल्टी उल्टी लगी, क्योंकि गलती मेरी थी कि मैं सीधा दारचा से सीधा यहाँ पर आ गया लेह में, और बीच में एक्मलेटाइजेशन का टाइम नहीं मिला, तो दिन में 4-5 हाई माउंटेन पास क्रॉस कर दिए और उसकी वजह से मेरे को एएमएस ने पकड़ लिया। फिर परसों शाम से लेके कल सुबह तक मेरी हालत बहुत ख़राब रही, फिर यहाँ पर मैं वीरेंद्र भाई के साथ ही था आज भी पूरा दिन, कल भी, और कल इन्होंने अपना टैंकर वैंकर खाली करा, तब तक मैं आराम से अपना भाई ट्रक में लेटा, मस्त मैंने रेस्ट किया, पानी पीता रहा मैं, खाना वाना खाया, और आज भी सेम प्रोसेस रहा मेरा। ओके और ना सच बताऊँ तो परसों शाम को मेरा इतना मूड ख़राब हो गया था, मेरा ऐसा दिल कर गया था कि भाई मैं यहीं से फ़्लाइट पकड़ के ले से सीधा दिल्ली चला जाऊँ, बट ठीक है अच्छा है नहीं गया, वरना मैं टिकट विकेट देखने लग गया था भाई। तो सही है यार, उस टाइम पे मतलब वही ना बुखार था ना, एमएस ने पकड़ रखा था, ऐसे हो जाता है कभी कभी। मैंने सोचा यार सब प्लान कैंसिल कर देता हूँ, पेंगोंग भी नहीं जाऊँगा और भाई यूनाम पीक भी नहीं करूँगा, सब कुछ नहीं करूँगा, बस सीधा मनाली चला जाऊँगा वीरेंद्र भाई के साथ में। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अब आए हैं तो करना चाहिए, क्योंकि आज तबीयत थोड़ी अच्छी हो गई है, तो इसलिए अब थोड़ी हिम्मत वापस आ गई है। तो आज अभी टाइम हो गया है लगभग 5:30 शाम के, और अभी 6 तो नहीं 6:30-7 बजे तक मैं कारू पहुँचूंगा, कारू से फिर वीरेंद्र भाई चले जाएंगे मनाली की तरफ, और फिर मैं आगे जाऊँगा पेंगोंग लेक की तरफ, वहाँ से फिर देखते हैं कहाँ तक की लिफ्ट मिलती है, क्या कुछ रहता है। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आगे के ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। चलो पाजी वीरेंद्र भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के, एक भाई मिल गया मेरे को। बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है ना, मिलते हैं अगली बार। चलो भाई अब ये रास्ता जाता है कारू को, ये जाएगा मनाली, तो भाई जाएंगे इधर, मैं जाऊंगा इधर, सी यू अगेन, ठीक है पाजी। हाँ चलो पाजी, चलो भाई, भाई ने मार दिया आखिरी बार आंख लाइट से। तो ये था मेरा मनाली से लेह तक का सफ़र ट्रक में, और सबसे पहले मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा अपने वीरेंद्र भाई का, और आई नो ये ज़रूर ये व्लॉग देखेंगे, उनको शेयर करना है मेरे को, और वीरेंद्र भाई आपके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया मेरे को, बहुत ज़्यादा सच्ची यार, मतलब
आप लगा लो किस्मत की बात ऐसी हुई कि भाई वो बस मनाली से पहले मुझे मिल गए कुल्लू के पास में, और ले तक हमारा सफ़र रहा। और भाई बॉन्डिंग जो एक वो थी यार, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन जाएंगी, लेकिन भाई बहुत बढ़िया एक रिलेशन बना भाई के साथ, और नंबर भी एक्सचेंज किया। और भाई इन फ्यूचर भी एक आधी बार घूमेंगे वीरेंद्र भाई के साथ। और एक चीज़ और, ये जो व्लॉग था तांगलांग ला पास के बाद एकदम से ले पहुंच गए, क्योंकि भाई तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो मैंने ऑलरेडी व्लॉग में मेंशन किया है। बट ठीक है, जैसा भी है, सीख रहे हैं, 3 साल बाद वापस आए भाई यूट्यूब पे, तो धीरे 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 चीज़ें करना वापस सीख जाएंगे, क्योंकि अभी आदत नहीं है ना, ऑफकोर्स सीधी सी बात है। सो यस, और इस व्लॉग पर भाई कमेंट ज़रूर करना, और मेहनत लगी है इस पर बहुत ज़्यादा। अभी रात के 12:30 बज रहे हैं, अभी ये जो क्लिप है इसको डालूंगा, फिर एक एक्सपोर्ट निकालूंगा, और अभी भी मतलब बच जाएंगे सोने में 1-2, और फिर थंबनेल भी डिज़ाइन करना है, काफ़ी कुछ है, फिर कल क्लास भी लगानी है 9:00। सो यस, दैट्स इट। व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक करना, बकवास लगा हो डिसलाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर, अपना फीडबैक ज़रूर दो भाई। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।